फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोस्तों आप कैसे जा सकते हो पतोंग बीच और बांग्ला रोड। पहला तो इन्फॉर्मेशन लेट मी क्लियर यू अप, जो पतोंग बीच है वही बांग्ला रोड है। मींस एक सी बीच एरिया है पतोंग बीच, और सी बीच एरिया में एक रास्ते का नाम है बांग्ला रोड, एक बहुत ही फेमस जगह है। और दोस्तों जो लोग फुकेट घूमने जाते हैं वो लोग मेनली जो टूरिस्ट लोग होते हैं 80% टूरिस्ट, ज़्यादातर लोग तो ये पतोंग बीच में ही रहते हैं। तो एयरपोर्ट से कैसे पतोंग बीच जा सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सबसे सस्ता सबसे इजीएस्ट वे से क्या क्या ट्रांसपोर्ट आपको मिल सकता है, चलिए आज की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इस बारे में। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना है दोस्तों, वो है अबाउट अ स्कैम। जब आप रस्ते से जाओगे ऑन रोड जाओगे आप पतोंग बीच, तो रस्ते में हो सकते हैं आप विक्टिम हो जाओ एक स्कैम से। तो कैसे उस स्कैम से बच सकते हो और क्या है वो स्कैम, वो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले दोस्तों ये जान लो डिस्टेंस कितना है एयरपोर्ट से पतोंग बीच। एयरपोर्ट से पतोंग बीच का डिस्टेंस है 38 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप। यस गाइस, 38 किलोमीटर जाने के लगभग डेढ़ घंटे अराउंड लगता है। जब मैं गया था शायद इतना ही टाइम लगा था, कुछ 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। सो गाइस, जो पहला चीज आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे, मेरे साथ जो हुआ था, मैं सामने देखा बड़े बड़े 2-3 लग्जरी बस खड़े हैं। तो मैं बस कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये बस क्या पतोंग बीच जा रहा है? वो लोग बोला हाँ जी बस पतोंग बीच जा रहा है, और बस का भाड़ा भी बहुत रिजनेबल है, सिर्फ 120 थाई बट। तो मैंने बस पे चढ़ गया, बट दोस्तों क्लाइमेक्स अभी बाकी है। बस में चढ़ने के बाद मुझको पता चला उस बस में चढ़ने से मुझको एक कार्ट खरीदना है। वो कार्ट का प्राइस है 300 to 350 थाई बट। उस कार्ट से आपको 120 आपको जो आपका जो बस का भाड़ा है वो देना पड़ेगा, और बाकी वो कार्ट का जो पैसा वो कार्ट में रह जाएगा, उस कार्ट के पैसे से आपको शॉपिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ठहरा एक सोलो ट्रेवलर, मुझे शॉपिंग क्या करना है नहीं करना है वो पहले से ही मैं सोचकर क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं। तो झट से मैं बस से उतर गया। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप भी जाओगे ऐसे ही एयरपोर्ट के बाहर बड़े बड़े जो बस खड़े होते हैं, ऐसे बस देखकर चढ़ नहीं जाना, पहले पूरा इंक्वायरी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ले लेना है, मेरे जैसे मिस्टेक नहीं करना है। तो मैं जब ढूंढा दूसरा कौन सा ट्रांसपोर्ट से मैं जा सकता हूँ, तो मुझको मिल गया दोस्तों मिनी बस। यकीन मानो ये मिनी बस ही है द मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट क्या बोलूँ कंफर्टेबल जर्नी एयरपोर्ट से आपको पतोंग बीच तक और बांग्ला रोड तक। तो गाइस मैं जो ये मिनी बस का जो काउंटर है काउंटर पे गया, मैंने पूछा इसका भाड़ा कितना है, दे टोल्ड मी भाड़ा है 180 थाई बट। बट 180 थाई बट ये फिक्स रेट नहीं है, कभी कभी ये बढ़ता रहता है कम होता रहता है। मीन्स अगर ऑफ सीजन में आप जाओगे तो ये शायद 150 थाई बट में भी आपको मिल जाता है, और जब पिक सीजन में आपको 180 थाई बट ऑलमोस्ट लगता है मिनी बस से। तो मिनी बस लगभग 8 से 10 जन लेकर ये छोड़ता है एयरपोर्ट से। मैंने भी चढ़कर बैठ गया और 2-3 और लोग आए, फिर गाइस वो मिनी बस छोड़ दिया, डिप स्टार्ट हो गया हम लोग का जर्नी। यकीन मानो अगर आप फुकेट जा रहे हो एयरपोर्ट से पतोंग बीच का जो इंटर जर्नी है तो कमाल का है, वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज एवर आई हैव सीन। आप बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप देखते देखते आप जाओगे, एक रास्ता जस्ट क्या बोलूँ, द रोड कंडीशन वॉज जस्ट ऑसम, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार वॉज अराउंड 100, एंड रास्ते का कंडीशन इतना बढ़िया था, 100 किलोमीटर से गाड़ी जारी जा रहा था, एंड इट वॉज देर वॉज नो ह्यूज ट्रैफिक। सो दोस्तों ऐसे ही मैं जाते जाते जो स्कैम मेरे साथ होने वाला था बट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एक होटल में जाकर रुका फॉर द रिफ्रेशमेंट वो लोग ही कैब लेकर मीन्स जो मिनी बस लेकर रुका, और होटल में बोला आप लोग थोड़ा सा चाहो तो फ्रेश हो सकते हो। तो जब हम लोग गाड़ी से उतरे और फ्रेश होने के लिए होटल के अंदर जाए, तो तभी हम लोगों को कुछ टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले पकड़ लिए, और लोगों को बोला आप लोग बैठिए आप लोगों के साथ कुछ बात करना है। मैंने पूछा हाँ जी बोलिए क्या बात, आप लोगों ने बोला आप तो पतोंग जा रहे हो इसका मतलब आप तो फीफी आइलैंड कड़ाबी आइलैंड का ट्रिप करोगे। तो मैंने बोला हाँ जी फुकेट में आए तो फीफी आइलैंड तो मस्त बनता ही है, क्यों नहीं जाओ, फुकेट आइलैंड एक बहुत ही फेमस आइलैंड ट्रिप है, वो तो जो लोग फुकेट जाते हैं फीफी आइलैंड का ट्रिप तो दोस्तों करते हैं, फीफी आइलैंड माया बे ये सब आइलैंड का ट्रिप तो करते हैं, फुल डे का ट्रिप है। तो वो लोग कुछ ऐसे ही फुल डे का ट्रिप हम लोग को समझा रहा था,
बट पर वहाँ पर मेरा थोड़ा सा शक हुआ, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा सा बार्गेन करने के बाद मैंने बोला नहीं सर, मुझको ये पैकेज मुझको ले ही नहीं लेना है, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। बिकॉज मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले से ही मैंने थोड़ा सा रिसर्च वो करके गया था, वो लोग इतना बोल रहा था टोटल इंडियन करेंसी में मान लो 2,500-3,000 का पैकेज बोल रहा था, फुल डे ट्रिप, आपको क्रूज में ले जाना पड़ेगा, आपको यार्ड से ले जाना पड़ेगा, ये खाना वो खाना देना पड़ेगा, ये बेस्ट हम लोगों का ट्रिप फैसिलिटीज़ है, अब जाओ। तो मैंने पूरा ये जो ट्रिप मीन्स मैंने वहाँ से नहीं लिया, पर उस कैब में 2-3 और ऐसे ही टूरिस्ट थे, वो लोग मेरी ही तरह पहले बार सफ़र कर रहे थे, पहले बार गया था फुकेट में, और वो लोग वो इंटायर जो पैकेज बुक कर लिया पैसे देकर, ज़्यादा पैसे देकर, इंस्टेंट पैसा देकर। तो मैंने तो बुक नहीं किया, चलो यार कोई बात नहीं, मैं फिर से गाड़ी में लौट कर बैठ गया। तो गाइज यहाँ पर शुरू होता है द नेक्स्ट लेवल जर्नी। नेक्स्ट लेवल जर्नी आप लोगों को बीच रास्ते में आप लोग वो लोग पूछेगा आप कौन सा होटल में आप जा रहे हो, एक बहुत ही सुपर फैसिलिटी है उस मिनी बस से ट्रेवल करने का, क्योंकि आप कहीं भी पतोंग बीच में बांग्ला रोड में कहीं भी आप होटल ले रहे हो, होटल का जैसे आपको नाम देना है, एड्रेस देना है, वो लोग पूरा GPS में सेटिंग कर लेता है एड्रेस, और आपको बिल्कुल आपको एकदम डोर स्टेप ड्रॉप वो लोग देते हैं, होटल के एकदम सामने ही जाकर आपको ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं आपको बांग्ला रोड में किसी भी जगह छोड़ देगा, आपको पतोंग बीच में जाके छोड़ देगा, आपको वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पतोंग बीच एक बहुत ही बड़ा एरिया है, एक साइड से दूसरे साइड जाने में बहुत टाइम लगता है, और टूरिस्ट लोग के बैगेज लेकर लगेज लेकर जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आपको डोर स्टेप एकदम ड्रॉप देगा। तो ये 1.5 घंटे का जर्नी के बाद मैं पहुंच गया पतोंग बीच। रास्ते का एक्सपीरियंस था बहुत ही कमाल का, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, कंफर्टेबल जर्नी। 1.5 घंटे कैसे बीत गया पता नहीं, ऐसे ही पिक्चर खींचते खींचते वीडियो शूट करते करते मैं पहुंच गया पतोंग बीच, माय ड्रीम डेस्टिनेशन इन फुकेट। सो गाइज ऐसे ही आप भी अगर पतोंग जा रहे हो, ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा एयरपोर्ट से पतोंग तक। सो दोस्तों ऐसे ही अगर आप प्लान कर रहे हो फुकेट जाने के लिए, तो ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा एयरपोर्ट से फुकेट तक और बांग्ला रोड तक। अगर आपका होटल बुकिंग आप दिखाओगे, आपका होटल बुकिंग को एकदम लेकर वो लोग एकदम डोर स्टेप आपको ड्रॉप कर देगा। और सबसे बड़ी बात जो ये मुझको लगा, यहाँ पर जो प्राइस फिक्स प्राइस है, यहाँ पर आपको कोई बार्गेन करने का मौका ही नहीं है, जो भी प्राइस है फिक्स्ड है, आपको वही देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये था एंटायर एक्सपीरियंस फ्रॉम एयरपोर्ट टू पतोंग बीच। होप सो दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू टू मेक योर ओन प्लान। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।